इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीसी और लैपटॉप में जो स्पीकर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें आपको जो स्पीकर कनेक्ट करते हैं, जो उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जो साउंड का प्रॉब्लम है, तो सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारा इस तरह नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, आपको जाना है पीसी या लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो इस हमारा जो पीसी है वही मैंने ओपन कर दिया है, और उसमें जो साउंड का प्रॉब्लम है, जो स्पीकर का प्रॉब्लम है, वही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए मैं टास्क बार पट्टी में साउंड पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें जो नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो अभी देख लीजिए कि इस तरह जो साउंड का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले जो टास्क बार पट्टी है, तो उसमें आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। तो चलिए मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ, और आपको साउंड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने साउंड पे क्लिक कर दिया है, और साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको जो स्पीकर का ऑप्शन है वही आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय ये हमारा जो डिसेबल है वही आपको इनेबल करना है, तो आपको माउस से राइट साइड क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ, और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपको जो डिसेबल है वही आपको इनेबल करना है, तो हमारा सही से जो स्पीकर का ऑप्शन है वही हमारा इनेबल हो गए। और इनेबल होने के बाद उसमें आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो पीसी या लैपटॉप में जो इस तरह आपको साउंड है, साउंड का जो ड्राइव है, तो इस ड्राइव आपको इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें जो ड्राइव है तो वही हमारा सही से उसमें इंस्टॉल है, तो इसमें हमारा जो प्रॉब्लम है वही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो आपके पीसी में या लैपटॉप में जो साउंड का इस तरह ड्राइव इंस्टॉल नहीं है, तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर देना है, उसमें जो साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, उसमें आपको इस तरह कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो वही आपको उसमें चेक कर सकते हो। तो हमारा सही से जो प्रॉब्लम है वही हमारा सही से सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारा पीसी में हमारे जो ड्राइव है साउंड का वही हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख लीजिए। तो चलो मैं सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आपको जो माउस से राइट साइड क्लिक कर देना है। तो चलो मैं कंप्यूटर पे माउस से राइट साइड क्लिक करता हूँ, राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको मैनेज पे क्लिक कर देना है, और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है उसमें ड्राइव चेक करना है कि हमारा पीसी में साउंड का ड्राइव इंस्टॉल है या नहीं है। तो चलो मैं डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, और डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको साउंड का ऑप्शन है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलो मैं साउंड पे क्लिक कर देता हूँ, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो जो उसका ड्राइव है वही हमारा पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपके पीसी या लैपटॉप में इस तरह जो ड्राइव इंस्टॉल नहीं है, तो वही आपको इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि आपका पीसी में साउंड का प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो इस ड्राइव को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह अपडेट पे कर देना है, और अपडेट करने के बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारा साइज से उसमें अपडेट हो गए, और उसमें हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल पे है और अपडेट भी है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद चले म्यूजिक को प्ले करके आपको बता देता हूँ कि हमारा म्यूजिक है वही हमारा सही से पीसी में प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमारा साउंड का वॉल्यूम है वही हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मैंने म्यूजिक पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद चले मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद चले मैं साउंड में जाके आपको सही से बता देता हूँ कि हमारा सही से उसमें प्रॉब्लम है वही हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमारा म्यूजिक भी प्ले हो गया है, और मैं साउंड पे में क्लिक करता हूँ तो हमारा सही से वॉल्यूम भी आ रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा म्यूजिक उसमें प्ले हो रहा है। तो चलो मैं कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ, और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद चले मैं साउंड पे क्लिक करता हूँ, और साउंड पे क्लिक करने के बाद उसमें जो स्पीकर का ऑप्शन है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा म्यूजिक है वही हमारा पीसी में सही से प्ले हो रहा है। तो स्पीकर में देख लीजिए कि हमारा सही से प्ले हो रहा है। तो आपके पास इस तरह जो स्पीकर का, जो साउंड का, किसी भी जो प्रॉब्लम पीसी या लैपटॉप में
आ रहा है, तो आपको सबसे पहले जो ऑडियो साउंड है उसका ड्राइव है वही आपको पीसी में इंस्टॉल कर देना है। तो इस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, मैंने सभी जो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है तो सभी वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। तो उसमें जाके देख लीजिए कि आपका पीसी या लैपटॉप में साउंड का प्रॉब्लम है, तो इस तरह आपको आसान तरीके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड जो सभी प्रोसेस था वही मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।